सर्दी में पसीना कब निकलता है? सर्दी में पसीना तब निकलता है जब प्रेमिका के साथ हो और पत्नी आ जाए। आपको अपनी पत्नी सुंदर कब लगी? खूब। जब वो शादी से पहले अपने घर में थी तब बहुत ही सुंदर थी। क्या आप अपनी पत्नी का कहा मानते हैं? उसके अलावा चारा भी क्या है ये बता दे। यह बात कितनी अजीब है, शादी से पहले जो लड़की सूरज और चांद लगती है, शादी के बाद वही लड़की हिटलर लगने लगती है, ऐसा क्यों? भाई असली बात तो ये है, इस्तेमाल करने के बाद ही तो पता लगता है कि चीज क्या है। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, सुरेंद्र शर्मा के सिर पे चमेली का तेल। मजा तो तब हो जब चमेली तेल लगाए सुरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आप किस तरह की मौत पसंद करेंगे? मैं तो वो मौत पसंद करूंगा जो तेरे बाद आए। कहते हैं चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और अगर चादर पैरों से लंबी हो तो क्या करें? अगर चादर पैरों से लंबी हो तो दूसरों के पैर अपनी चादर में समा लेने चाहिए। जब भगवान छप्पर फाड़ के पैसा दें तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, पहले छप्पर ठीक करवा लेना चाहिए। शर्मा जी, मैं स्वर्ग का रास्ता जानना चाहता हूँ। जानने की क्या जरूरत है, अरे ब्याह कर ले तब पता लग जाएगा, ब्याह से पहले वाला रास्ता स्वर्ग का ही था। दूल्हा घोड़ी की बजाय गधे पर क्यों नहीं बैठता? इसलिए नहीं बैठता कि गधा अपने ऊपर कभी भी गधे को नहीं बैठाएगा। संसार में सभी कार्य जब सीधे होते हैं तो पान ही उल्टा क्यों लगाया जाता है? भाई सीधे को चूना नहीं लगाना चाहिए, उल्टे को ही चूना लगाना चाहिए। वाह वाह। अगर शादी दुर्घटना है तो सगाई क्या है? सगाई वो है जिसमें लिखा हुआ है ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। यदि दरवाजे पर प्रेमिका और भगवान दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किसका स्वागत करना चाहिए? स्वागत तो बाद में करूंगा, पहले मैं भगवान से पूछूंगा आप मेरे लिए आए हो या इसके लिए आए हो। अगर आप जल्लाद होते, आपको अपनी पत्नी की फांसी का हुक्म होता तो आप क्या करते? देखिए हमारे यहाँ कायदा है कि जल्लाद कभी भी जल्लाद को फांसी नहीं देगा। भारत में कितने मोड़ हैं? भाई दो ही मोड़ हैं, एक दायां और एक बायां। यदि आप घर पहुंचते हैं, आपकी बीवी आपके ऊपर गर्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो ठंडा ही घर पहुंचता हूँ, ठंडा ही रहूंगा। ताली एक हाथ से कैसे बजती है? भाई उस हाथ से अपने गाल पर तमाचा मार ले, बज जाएगी। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हास्य मंत्री का पद होता तो क्या आप मंत्री बनना पसंद करते? मैं सवाल ही पैदा नहीं, मैं प्रधानमंत्री से नीचे की बात सोच ही नहीं सकता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर लातों से भी ना माने तो? तो ऐसा है, उस भूत की मान लेनी चाहिए। अगर आपकी बीवी का अपहरण हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जिसने अपहरण किया उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छे। कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप खिसिया जाने पर क्या करते हैं? मैं तो खिसिया जाने पर बिल्ली को ही नोचता हूँ। घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, पत्नी गुम हो जाए तो घटना और मिल जाए तो दुर्घटना। ये पूछ रहे हैं कि मेरी चार प्रेमिकाएं हैं, मैं चारों से एक जितना प्यार करता हूं, आप बताइए मैं किस तरफ जाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुझे ऊपर चला जाना चाहिए। ये श्रीमान कह रहे हैं, आपकी फोटो देखकर मुझे अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है, अब आप बताएं मैं क्या करूं? फोटो देखकर याद आती है तेरी स्वर्गीय पत्नी की, अगर मेरी जैसी फोटो तेरी पत्नी थी तो तुझे स्वर्गवासी होना चाहिए। कहते हैं पिता आकाश से बड़ा होता है, माँ पृथ्वी से, अगर आपके माता पिता के बीच झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? देखो रूस और अमेरिका के बीच में झगड़ा हो जाए तो छोटे देशों को चुप रहना चाहिए। आज देश को जरूरत है एक गांधी की, वह कब और कहाँ पैदा होंगे? कब कहाँ की तो मैं नहीं जानता, अपने अंदर के गॉडसे को मार दो
हर व्यक्ति गांधी हो जाएगा। वाह 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 वाह।